तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया कार्निवल। आज मैं आपके सामने ऑल न्यू किया कार्निवल की बिल्कुल नई जनरेशन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको किया कार्निवल दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि नया डिज़ाइन आने वाला है और ग्लोबली जो कार्निवल है बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। आज आपके सामने लेके आया हूँ किया कार्निवल का ग्रैंड अवतार, जो कि है ग्रैंड कार्निवल 11 सीटर के साथ आती है। और कहीं ना कहीं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जो आपको नहीं दे पा रही है, ये गाड़ी अपने पावरफुल डीजल इंजन के साथ सब कुछ देने का वादा कर रही है। शुरुआत करूँगा इसकी शानदार सी की फॉब से। तो ये की फॉर्म ना आपको किया इंडिया दे चुकी है। यहाँ पर आपको याद है किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट में ऐसी ही की फॉर्म मिलती है, बस ये जो शानदार से ऑप्शन है ये नहीं मिलेंगे उसमें। सबसे ऊपर का बटन आपको उसमें लॉकिंग के लिए दिया गया, ये नॉर्मल अनलॉक करेगा और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका केवल बूट यहाँ पर ओपन हो सकता है। पावर टेलगेट आती है। किया सेल्टॉस में आपने देखा कि रिमोटली इंजन को स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ये चीज़ कुछ खास है इस गाड़ी के साथ। यहाँ पर देखिए गाड़ी को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको अनलॉक करेंगे। उसके अलावा इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस रखे रहते हैं तो देखिए इसका जो साइड का डोर है ना वो पावर्ड है, तो यहाँ पर स्लाइड होके वो अपना रास्ता आपके लिए ओपन करता है। बहुत ही शानदार फंक्शन है, सबको समझाता हूँ आपको। ये गाड़ी इसलिए खास है ना, अगर आप दुबई में देखेंगे या फिर किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर लंबा लंबा लोगों को चलना होता है, फैमिली के साथ चलना होता है, तो ये गाड़ी उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। 11 सीटर का ऑप्शन देती है तो सबके लिए अच्छी अच्छी जगह मिलती है। गाड़ी की लंबाई 5.1 मीटर्स की है, कहीं ना कहीं आपकी इनोवा हाईक्रॉस से 400 mm ज़्यादा लंबी गाड़ी है। आप देखिए यहाँ से डिटेल में बात करते हैं आपकी ऑल न्यू किया ग्रैंड कार्निवल के बारे में। अब नाम के आगे ग्रैंड जुड़ा हुआ है तो सब कुछ ग्रैंड मिलने वाला है आपको। डिज़ाइन फ्रंट से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप इसके लुक्स को देखिए, कितने ज़्यादा शानदार लुक्स। और कहीं ना कहीं एक सब 40 और 50 लाख रुपये सेगमेंट में ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल जस्टिफाई करता है। और कहीं ना कहीं एक MPV होते हुए भी एक SUV के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू देखी जाती है गाड़ी, वो इसकी सबसे खास बात है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रंट का लुक, जो इंडिया में अभी तक आपको थर्ड जनरेशन की कार्निवल मिल रही थी उसमें आपने देखा कि टैगनोस ग्रिल थी। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी नए डिज़ाइन का यूज़ किया था मैंने, आपको इसके पहले भी इसका एक अपडेट दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन ये ग्रैंड कार्निवल है तो थोड़ी ग्रैंड चीज़ें हैं वो समझते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्रोम का भरपूर मात्रा में यूज़ देखने को मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये है गाड़ी का पूरा सा ब्रॉड लुक, काफ़ी ब्रॉड अपील है इसके साथ। फुल ऑन आपको यहाँ पर LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। इन LEDs के साथ खास बात यह है कि आपको मल्टीपल एरे ऑफ लाइट यहाँ पर मिलेगी, लो बीम हाई बीम अलग अलग इसको पोर्शन किया गया है। साथ ही कुछ DRLs हैं आप यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा एक अलग तरीके का मटेरियल और काफ़ी फाइन फिनिश है। कहीं पर भी ना नर्लिंग में नहीं देख रहा हूँ, नर्लिंग फिनिश नहीं है, सिंपल भी रखा गया है, काफ़ी सटल भी है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में क्रोम मिलता है, यानी कि जो क्रोम बिट्स का इस्तेमाल किया गया ना गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा बना रहा है। और जो हेडलैम्प है उसको भी काफ़ी सही तरीके से पोजिशन किया गया है। नीचे मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको कॉर्निंग फॉग लैम्प भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो जो गाड़ी का साइज़ है, डायमेंशन है, आपके सामने आ पाती है। चौड़ाई भी अच्छी है, ऊँचाई भी अच्छी है और साथ ही साथ लंबाई 5155 mm काफ़ी सही लंबाई है। 18 इंच के आपको बड़े से अलॉय मिलने वाले हैं। और जो इंडिया में ना कुछ ज़्यादा ही क्रोम का इस्तेमाल कर दिया गया था वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेगी, नॉर्मल डायमंड कट जो अलॉय है वही यहाँ पर दिखाए गए। तो ये रही गाड़ी की फ्रंट से बातचीत। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या बारीक फीचर इसमें यूज़ किए गए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ADAS का फंक्शन मिलेगा जो कि डुअल फंक्शन के साथ है, यानी कि लेन वॉच कैमरा भी ऑफर किया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डॉपलर सेंसर देखने को मिलेगा जो कि नीचे प्लेस किया गया। उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर है वो यहाँ पर प्लेस किए गए, और यही कुछ गाड़ी के फ्रंट के लुक की अपील को और बढ़ा रहे हैं। और साथ ही जो बम्पर है उसमें भी कुछ ना कुछ जो कट्स हैं क्रीजेस हैं काफ़ी अच्छी तरीके से रखे गए। अब मैं आपको समझाता हूँ और चीज़ें। तो यहाँ पर जो कलर टोन है ये है आज अरोरा ब्लैक पर्ल, तो अरोरा ब्लैक पर्ल के साथ खास बात यह है कि यहाँ पर जो पर्ल है वो आपको नोटिस होगा, जो ग्लिटर इसमें इस्तेमाल किया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी फाइन यहाँ पर इसकी फिनिश को रखा गया है। बाकी इस हाई क्वालिटी फिनिश के साथ आपको हाई क्वालिटी कंफर्ट मिलता है, हाई क्वालिटी सेफ्टी मिल जाती है और डिज़ाइन हमने समझा। साइड प्रोफाइल में आप आएंगे तो काफ़ी बड़े और भारी भरकम आपको यहाँ पर ORVM देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी की पूरी विजिबिलिटी को आपको क्लियर कर रहते हैं। कोई आपको ऐसा इशू नहीं आएगा कि इसको हाईवे में चला रहे शहरों में चला रहे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल फ्रंट वाला यहाँ मेंशन किया गया है। ये कुछ आप देखेंगे किया का नया सा लोगो जो कि यहाँ पर रखा जाता है। और साइड में आएंगे तो ये है गाड़ी की इस साइड से पूरी की पूरी प्रोफाइल। अब मैं आपको समझाता हूँ टायर्स में क्या साइज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कॉन्टिनेंटल के टायर आपको देखने को मिलेंगे। साइज़ है इसका 235/60 रेडियल 18 इंच का टायर है। और डिस्क का साइज़ आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी डिस्क है, 18 इंच के अलॉय के हिसाब से भी सिर्फ इतनी सी ही जगह बच रही है और काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। बाकी सस्पेंशन ट्रैवल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप इसे ऑफ रोडिंग करेंगे, क्योंकि गाड़ी का व्हील बेस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको संभल के ही चलाना होगा। ऐसा आप नहीं करेंगे जो आप किया सोरेंटो या फिर टोयोटा फॉर्चुनर इनके साथ ट्राई कर पाए। बाकी साइड में आपने समझा कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना
ये बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी वाला फंक्शन है और कहीं ना कहीं आप इसको अंदर से भी यूज़ कर पाएंगे, आपको बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है। अंदर जो सारा सीटिंग लेआउट है, कैप्टन सीट्स का मज़ा ले लीजिए, पीछे की रो देखेंगे, लास्ट रो देखेंगे, जिसमें टोटल आपको 4 रोज़ यहाँ पर मिलेंगी, जो कि आप देख भी सकते हैं किस प्रकार रहने वाली है। और यहाँ पर जो फ्रंट रो है वो आपके सामने है। बाकी डुअल आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ कहेंगे, डुअल पेन ग्लास का यूज़ किया गया, आगे थोड़ा छोटा साइज़ है, पीछे की ओर थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ होता है, और ये भी काफ़ी अच्छा साइज़ आपको दी जाती है। अंदर देखते हैं उसके अलावा और क्या फंक्शन है। बाकी रियर में आप आएंगे तो इसको आप यहीं से ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने बंद होता है। कुछ ऐसे फंक्शन भी है, मान लीजिए किसी का हाथ आ गया तो ये रिट्रैक्ट हो जाता है, तो सेफ्टी को भी पूरी तरीके से यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि गाड़ी का फ्रंट का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इम्पोजिंग रखा गया, काफ़ी मस्कुलर लुक है, वही चीज़ गाड़ी के साइड में भी है। 5155 mm जो इसकी लंबाई है, 5 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, तो उसके हिसाब से जो 18 इंच का अलॉय है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफाइल के साथ है तो थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते में चलेंगे भी तो दिक्कत नहीं आएगी अलॉय में जल्दी। पीछे भी देखेंगे तो डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए गए, लेकिन पीछे का जो डिस्क है हमेशा आगे वाले डिस्क के मुकाबले थोड़े छोटे साइज़ का होता है, वो साइज़ देखिए थोड़ा बड़ा फील होगा आपको। और जो आपको रियर डिस्क है फ्रंट डिस्क के मुकाबले हल्का सा छोटा साइज़ का ऑफर किया जाता है, जो कि नॉर्मल डायनेमिक्स का पार्ट है। और ये देखिए गाड़ी के रियर के लुक, कुछ एक तरीके से ना डिज़ाइन फिलोसफी इसके आप टेल लैम्प में देखिए, कनेक्टेड DRL एक तरीके से टेल लैम्प में भी इस्तेमाल किए गए, और ये है इसके पूरे के पूरे डिज़ाइन जो रियर से आता है। गाड़ी की लंबाई यहाँ से भी आपको पता चल रही होगी, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा साइज़ फील हो रहा है, लेकिन शहरों में चलाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होती इस गाड़ी को। पीछे का जो लिप है, क्लैडिंग है, प्रॉपर आप देखेंगे कार्निवल की बैजिंग है, ग्रैंड कार्निवल कहीं भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी क्योंकि 11 सीटर लेआउट के साथ है इसीलिए इसको ग्रैंड कार्निवल कह दिया जाता है। थोड़ा सा अगर आप सनरूफ की ओर नज़र मारें तो ये इसकी पूरी की पूरी सनरूफ का जो पूरा लेआउट है वो आपके सामने आ पाता है, और साथ ही जो ऊपर आप यहाँ पर रूफ रेल देखेंगे जो कि ब्रश टाइप डिज़ाइन में है, ऐसे आपको दिखाई देंगे। करीब 6 इंच के आसपास का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिखता है, जो कि आप यहाँ से भी नोटिस करेंगे। बाकी पीछे का आपको एक बार पावर टेलगेट दिखाते हैं, तो यह है आपके सामने ऑल न्यू किया कार्निवल का टेलगेट, किस तरीके से ओपन होता है देखिए। पीछे ना अगर सोचिए 11 लोग बैठ रहे तो कितना स्पेस होना चाहिए था, तो सामान रखने के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और कोई कैरियर लगाना भी ज़्यादा अलाउ नहीं है इंडिया में, तो ये जो 11 लोग चलेंगे उनको अपने लगेज का जो हिसाब किताब है खुद ही बना के चलना होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्पेस है उतना कुछ नहीं है कि आप थोड़ा ज़्यादा कुछ इसमें कर पाए। बाकी आपकी क्या राय इन चीज़ों में। बाकी यहाँ पर आपको एक बेंच टाइप सीट मिलती है, इसको आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, फिर जाकर ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक 6 सीटर 7 सीटर के लेआउट के साथ आ जाती है, और फिर एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर बूट स्पेस दे देती है। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो कभी कभार ही हमें 11 सीटर का यूज़ देखने को मिलता है, अब आप इसे कमर्शियली भी लेंगे तो 11 सीटर बहुत ही मुश्किल से आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, तो इतना बूट आपको नॉर्मली मिलता रहेगा, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा नीचे भी चलेंगे ना, किन कंट्रीज़ में आपको स्पेयर व्हील मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। बाकी नीचे की अंडर बॉडी को काफ़ी क्लीन रखा गया है, ये जो आप 2 लिंकेजेस देख रहे हैं ये आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन के लिंकेजेस मिलेंगे, जिससे गाड़ी काफ़ी स्टेबल फील होती है हाई स्पीड में। कॉर्नरिंग में भी गाड़ी में ज़्यादा बॉडी रोल नहीं आता है, और सस्पेंशन की जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छे से हो पाती है। ये देखिए गाड़ी के पूरे सनरूफ के व्यू को यहाँ से भी, और नीचे की तरफ इतना कुछ स्पेस, इसको आप ऊपर कर दीजिए, ये आपका दोबारा से जो 11 सीटर लेआउट है उसमें गाड़ी वापस आ जाती है। ये आपको यहाँ पर डिफॉगर का ऑप्शन है, कुछ और फंक्शन देखें तो क्लैडिंग है, यहाँ पर आपको हैंडल का ऑप्शन दिया गया, पेंट क्वालिटी काफ़ी सही है। उसके अलावा यहाँ पर आप पूरा जो लाइट बार है पीछे की तरफ टेल लैम्प में वो नोटिस करेंगे। आप चलते गाड़ी के अंदर, क्या कुछ वहाँ छुपाया गया है साइड में देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको क्रोम यूज़ करेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फैब्रिक और ऐसा मटेरियल लगाया गया है जिससे साउंड ना आए जब भी ये छोटे मोटे पत्थरों से चले, या फिर किसी तरीके का साउंड इंसुलेशन को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। अंदर चलते सीधे, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एक तरीके से डिटेक्शन सिस्टम भी है, जो कि आप यहाँ पर भी नोटिस कर ये है। तो यहाँ पर चलेंगे इसके डोर हैंडल को ओपन करके, मैं देख रहा हूँ कि इसमें कहीं पर भी ना क्रोम का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। विंडो बीटिंग आप देखते हैं नॉर्मल कार्स में भी मिलती है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। सिर्फ यहीं पर एक शानदार सी आपको स्टेनलेस स्टील की एक यहाँ पर यूनिट दी गई है, काफ़ी सही प्लास्टिक आई थिंक ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया। अब देखिए इसके इंटीरियर्स को, तो ये है आपके सामने ऑल न्यू किया कार्निवल या फिर ग्रैंड कार्निवल के इंटीरियर्स किस प्रकार दिखाई दे रहे, देखिए शानदार लग रहे हैं ना। यहाँ पर आपको जो नया डिज़ाइन आया था ना, मैंने आपको ये 3rd जनरेशन जो इंडिया में जस्ट अभी बंद की गई है उसमें जो अपडेट आया था उसके साथ भी दिखा दिया था कि ये जो कार्निवल है ये आ चुका था पहले। उसके अलावा डैशबोर्ड हल्का सा अपडेट हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखिए डैशबोर्ड का लुक, यहाँ से शुरू करेंगे तो सॉफ्ट टच होगा,
यहाँ भी सॉफ्ट टच, ये पियानो ब्लैक, ये भी पियानो ब्लैक, ये सॉफ्ट टच है और नीचे इतना स्पेस। और बोश का ऑडियो सिस्टम किया का पसंदीदा आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका डीजल इंजन है तो यहाँ पर आपको टॉक कन्वर्टर का ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको 2.2 टर्बो डीजल का ऑप्शन मिलेगा। इसकी पावर ना 200 हॉर्स पावर के आसपास है, करीब 440-420 NM का टॉक भी बना के देता है। अलग अलग बात यह है कि इंडिया में जो कार्निवल थी उसकी जो वैल्यू है और जो ग्लोबली आप कार्निवल देखते हैं, थोड़ा बहुत पावर और टॉक में डिफरेंस रहता है। इंडिया में एक बार RDE नॉर्म्स के हिसाब से गाड़ी को आने दीजिए, देखते हैं क्या वैल्यू में डिफरेंस आता है। मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ा चेंज होगा, लेकिन फिर भी रह सकता है। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का फंक्शन रहता है सीट्स के साथ, जो कि आप यहाँ पर भी देखेंगे। उसके अलावा पावर सीट्स मिलती है, एयरबैग आपको टोटल 6-7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो ADAS फंक्शन है उसके लेन मार्किंग्स और ये चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल करके चलेंगे। कुछ पावर डोर के लिए ऑप्शन दिया गया है, इसको आप खोल सकते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो इसको आपको नॉर्मली लॉन्ग प्रेस करना रहता है, तो ये जो आपका पीछे का डोर है ये आपके सामने ओपन हो जाता है। तो तीन तरीके से ओपन हो जाएगा, एक तो बाहर से कर लीजिए, अंदर बैठे बैठे कर लीजिए, या फिर कहीं दूर है तो की फॉब की मदद से दूर बैठे ही इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। चढ़ना उतरना गाड़ी में बड़ा आसान है, ऐसा कोई फॉर्चुनर और आपको ऊंची गाड़ी की तरह चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। हाइट अगर आपकी कम भी है तो आराम से इसका मज़ा आप ले पाएंगे। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो इस तरीके का आपको कुछ सिंथेटिक वुड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसा आपको प्लास्टिक क्लैडिंग लगेगी, ये प्लास्टिक थोड़ा अलग है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है। बाकी डैशबोर्ड काफ़ी प्यारा लगेगा आपको, और यही इस गाड़ी की खासियत भी है कि गाड़ी काम की है, बिल्कुल सही से यूज़ की जाती है इसमें। और नीचे बड़ा सा डैट पेडल आपको मिल जाएगा। अंदर बैठ के देखें तो अंदर बैठने में आपको ये जो डिस्प्ले है वो आपके सामने आती है, और फैक्ट्री मोड में अभी गाड़ी। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको लाइट्स के सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो कि ऑटो फंक्शन के साथ आती है। साथ में ही ये आपको सारे वॉल्यूम के कंट्रोल, इस साइड देखेंगे वॉशर वाइपर के सारे ऑप्शन हैं, क्रूज़ कंट्रोल, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं। जो आपको कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम मिलेगा उसका कंट्रोल यहाँ है, लेन मार्किंग और जो लेन फॉलो असिस्ट है वो सारे आपको फंक्शन यहाँ दिए गए। बाकी ये चीज़ आप किया कि जो आप बढ़िया से यहाँ पर एक लोगों के साथ डिज़ाइन देख रहे हैं स्टेयरिंग में, ये भी अच्छा लगेगा आपको। बाकी स्टेयरिंग आपको टिकट नहीं मिलेगा, सॉफ्ट टच के साथ मिलता है, और प्रॉपर आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर मिलेंगे इस 2200cc के डीजल इंजन के साथ। और ये कुछ फंक्शन के साथ ये बड़ी सी डिस्प्ले आपको मिलेगी करीब 12.3 की, जिसका साइज़ काफ़ी सही लगेगा। और कुछ फंक्शन आप देखें तो बेसिक लेआउट अभी भी वही है जो इंडिया में आपने इससे पहले देखा था, लेकिन स्क्रीन का डिज़ाइन थोड़ा बड़ा हो गया है, साइज़ थोड़ा चेंज हो गया है। उसके अलावा थोड़ा और साइड में चले, ये सॉफ्ट टच स्टिचिंग के साथ है, इसका नीचे आप इतना स्पेस देखें तो ये भी सॉफ्ट रिलीज़ के साथ है। कूलिंग का फंक्शन नहीं है, लेकिन लाइट आपको ऑफर की गई है। साथ में ही आपको यहाँ पर एक बढ़िया सी सिंथेटिक वुड मिलेगी, ये कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक शानदार से कंट्रोल के साथ ये चीज़ आपको ऑफर की गई है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि दोनों लोग अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर अपना जो टेम्परेचर है वो सेट करेंगे। फुल ऑन आपको यहाँ पर डिजिटल सिस्टम रखा गया है, थोड़ा सा डायल हो वो भी बेटर है, लेकिन टेम्परेचर के लिए ये ऑप्शन दिए गए सारे के सारे। फ्रंट में विंडशील्ड के डिफॉगिंग के लिए ये ऑप्शन है, रिसर्कुलेशन के लिए ये है, मतलब ना डिजिटल कर दिया गया है। तो कैसा लगा आपको बताइएगा, ये अपना यहाँ से टेम्परेचर कर सकते हैं, आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पर टॉगल दिया गया है, ये ट्यून करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ये 1000 के लिए है। उसके साथ ही नीचे देखेंगे सारे के सारे USB के ऑप्शन है, फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन दिए गए, और साथ ही की फॉब की अगर आप फ्रंट डिज़ाइन को देखेंगे तो रिमोटली आपको इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इस बटन को अगर आप दबाए रखेंगे तो आपका जो इंजन है वो रिमोटली स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन दिए गए, इस साइड देखेंगे ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स का ऑप्शन एक टॉगल के साथ आपको मिलता है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर KA4 मेंशन किया गया है, तो ये कुछ अलग सी चीज़ है। तो KA4 का सेंस तो यही है, आपको थोड़ा सा ना मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इंडिया में जो आपने देखा था ऑटो एक्सपो के अंदर कि गाड़ी में KA4 मेंशन करके एक आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट दिखा दिया गया था, तो यहाँ पर KA4 ही मेंशन किया गया। तो क्या ये गाड़ी ही KA4 है, वो आप कमेंट करके बताइए। पार्किंग का ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है, साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड्स के लिए ऑप्शन है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, कुछ इतना बॉटल के लिए स्पेस। बेसिक आप यहाँ पर जो कैमरा है उसकी यूनिट 360 डिग्री तरीके से ही यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। ये सारे फंक्शन है यहाँ पर, वेंटिलेशन के सारे फंक्शन ये भी है, और बटन्स का क्वालिटी और सारे मटेरियल सेलेक्शन आप देखिए ना, पियानो फिनिश प्रॉपर लगेगी। थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस आपको चाहिए, स्क्रैचेस लगेंगे तो आपको विजिबल रहेंगे, लेकिन फिर भी अभी जो कंपनी से ही मिल गया है वो काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप नॉर्मली इंडिया में देखें तो जो पियानो फिनिश है उतनी प्रॉपर नहीं रहती है, कुछ और ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो किया ने इस सेगमेंट के हिसाब से मटेरियल यूज़ करा है, ठीक लगेगा आपको। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे आइवरी शेड और एक तरीके से ना थोड़ा सा वाइटिश फिनिश रखी गई है प्लास्टिक के अंदर, और इतना स्पेस इसके नीचे रखा गया है। नीचे आप देखेंगे बड़ा सा आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट है, थोड़ा सा मेंटेनेंस इसको भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि कलर ही इसका ऐसा है। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो बॉटल होल्डर है वो मिलेंगे, आप यहीं से
जो सीट्स है बॉस मोड का इस्तेमाल करके इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, आगे पीछे स्लाइड और यहाँ से जो रिक्लाइन के ऑप्शन है बिना इनसे कुछ कहे इनको आगे पीछे आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप सनरूफ की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है। फंक्शन के तौर पे देखें तो इस बटन की मदद से ये जो सनरूफ है ये आपकी ये वाली एक्चुएट होगी और इसकी मदद से जो पीछे वाली सनरूफ है वो आपके सामने ओपन होती है। तो क्या विजिबिलिटी है, क्या पूरा डिज़ाइन है आपके सामने क्लियरली है। और यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा बोश का ऑडियो सिस्टम आपको IRVM आपको फुली ऑटोमेटिक मिलने वाला है। बाकी हेडरूम शोल्डर रूम देखें तो इस प्रकार आपको हेडरूम शोल्डर रूम मिलेगा। अब ये सीट भैया कोई ज़्यादा ही पीछे करके चले गया तो ये रिक्लाइनिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि इतने कुछ स्पीड से ऊपर की ओर आता है तो इतना कुछ आप रिक्लाइन होगे। हेडरूम शोल्डर रूम की गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ है कि एक SUV का जो पूरा DNA है गाड़ी के अंदर डाला गया। कहीं ना कहीं जो हाई क्रॉस अभी कर रही है ये गाड़ी पिछले 5-6 सालों से करती भी आ रही है और कार्निवल एक ब्रांड जो बनी है वो ऐसे ही एक दिन में नहीं बनी है। अगर कोई दुबई से है तो वो जानता होगा कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ की कंट्रीज़ में। और साथ ही साथ अगर आप इंजन ऑप्शन की बात करें तो इंजन को ओपन करने के लिए इंजन हुड के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार आपको इंजन का पूरा लेआउट मिलेगा। सिमिलर सेटअप आप सबसे पहले देख चुके हैं आपकी हुंडई सेंटा फे के अंदर। सिमिलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भैया ऐसा वैसा इंजन नहीं है, ये एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लेगेसी लिया हुआ इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन है जो कि टर्बोचार्ज है और काफ़ी शानदार 2200 बार के प्रेशर पे काम करता है इसका जो टर्बोचार्ज के साथ साथ ही इंजेक्शन सिस्टम है। और टर्बो की ब्रांडिंग से मैं समझना कि GDI इंजन है, ये डीजल इंजन है, करीब 200 हॉर्स पावर और 440 Nm के आसपास का टॉर्क। यहाँ पर आप देखेंगे इसका फ्यूज़ बॉक्स, बड़ी सी बैटरी आपको 80 AH की मिलेगी। कुछ आप एयर फिल्टर यहाँ पर देखेंगे, कूलेंट का सिस्टम है, वॉशर वाइपर के लिए फ्लूड आप यहाँ पर देखेंगे, क्लैडिंग का पार्ट कुछ इस प्रकार मिलेगा। नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग वाली चीज़ें आपको दी गई है जो कि अच्छी खासी मेटलिक कवरिंग मिलेगी आपको। तो यही है फिर हुंडई और किया ग्रुप का अपना 2200 CC का इंजन है। ये इंजन कहीं ना कहीं डायरेक्टली कम्पीट कर लेता है आपकी फॉर्च्यूनर के साथ भी, काफ़ी बढ़िया इंजन है अलग अलग ट्रांसमिशन के साथ ग्लोबली देखने को मिलता है। इंडिया में नॉर्मली आपने देखा कि कार्निवल सिर्फ ऑटोमेटिक में आई। उसके अलावा इस इंजन की खास बात यह है कि काफ़ी रिफाइंड है, साथ ही साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छा देता है। लगभग यहाँ पर 12 से लेकर 13 km/L का माइलेज हाईवे में दे देता है, साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल शहरों में चलाएंगे तो 9 से लेकर 10 km/L का इतनी बड़ी गाड़ी के साथ भी माइलेज बना के चलता है। अब दिखाते हैं आपको सेकंड रो सीट्स में, और ये ऑप्शन आपने देखा सेकंड रो सीट्स में क्या ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर कैप्टन सीट्स का भी मज़ा मिल जाएगा। बीच में अगर स्पेस चाहिए तो इसको ऐसे खुला छोड़ दीजिए, बाकी अगर सेकंड रो में 3 लोगों को बैठना है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। और ये रिक्लाइनिंग का फंक्शन देते हुए इतना तो रिक्लाइन ही हो सकता है और किसी भी ना पोजिशन में आप इसको रोक के अपने हिसाब से जो एक तरीके से अपना कम्फर्ट है उसके हिसाब से इसको यूज़ करेंगे। बस जो हेडरेस्ट है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, हेडरेस्ट आपको 2 ही लोगों के लिए मिलने वाला है। तो इनकेस इमरजेंसी वाली बात है कि बीच में 3 लोग आप यहाँ पर बैठा रहे होंगे, अब कुछ इतना स्पेस है, जो मटेरियल है स्ट्रक्चर है काफ़ी सॉलिड है भाई, 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। उसके अलावा इन चीज़ों को आप करना चाहें यहाँ से आप स्लाइड करेंगे आगे पीछे, कुछ फंक्शन और भी आपको मिलते हैं। बाकी बात करेंगे थर्ड रो की तो थर्ड रो आपके सामने है, कितना स्पेस दे रही है, फोर्थ रो भी आपके सामने है। बस बातचीत वही है कि जो सारा कंफर्ट है वो आपको मज़ा आने वाला है सेकंड रो के अंदर। थर्ड रो में भी वही ऑप्शन है फोल्डेबल वाला बीच में, और ये जो कैप्टन सीट्स है इन सीटों के मुकाबले थोड़े से छोटे साइज़ में है, तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी होगी। एक बार इसमें बैठ के देखते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये है थर्ड रो। यहाँ से आप देखेंगे पूरा डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पर आप देखेंगे पूरी सनरूफ, AC वेंट का प्रॉपर यूज़ किया गया है, वहाँ पर भी AC वेंट है, सेकंड रो के लिए भी AC वेंट है। कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और रियर पैसेंजर डिटेक्शन सिस्टम है। बाकी ये देखिए गाड़ी का पूरा सनरूफ और ये डिज़ाइन, और साथ ही पीछे से आप गाड़ी का लुक देखें तो इस प्रकार आपको गाड़ी का लुक मिलेगा। तो ऑल इन ऑल देखा जाए ना गाड़ी में स्पेस अच्छा है। अभी अगर आप हाई क्रॉस को देखें करीब 31 लाख रुपये एक्स शोरूम के आसपास प्राइस उसके टॉप एंड मॉडल की पहुंच गई है, सारे फंक्शन दे रही है, सिर्फ वो ये कि डीजल का ऑप्शन नहीं है। ये गाड़ी में आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिलता है, और कहीं ना कहीं जो पावर और एक रश ऑफ टॉर्क आपको फील होता है गाड़ी देती है। अभी जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी इसकी प्राइस भी 36 लाख रुपीज़ के आसपास थी, तो कहीं ना कहीं जब ये गाड़ी आएगी ना 40 लाख के आसपास पहुँच जाएगी, क्योंकि ADAS के फंक्शन आ गए, नया डिज़ाइन है, ये कुछ जो आप पूरा AMS देख रहे हैं ना गाड़ी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करवा के ही मिलने वाली है। ये जो कंट्रोल आप देख रहे हैं ये थोड़े जाने पहचाने, पहले भी आपको देखने को मिलते थे। तो फिर आप मुझे बताइए क्या आप इस गाड़ी के लिए लगभग 45-50 लाख रुपए एक शोरूम पे करना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर ले ली जाए, या फिर किया को कोई एक बड़ी एक फुल साइज़ की SUV इंडिया में उतारनी चाहिए। अब होने के उनके पास सोरेंटो जैसा ऑप्शन है, कहीं ना कहीं काफ़ी सही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो अभी मार्केट रिसर्च कह लीजिए, सेल्टॉस में तो एक तरीके से बाजी मार गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा और चाहिए जो कि एक प्रीमियम कस्टमर को पसंद आए। और यहाँ पर जो बीच का स्पेस है
उसको आप दोबारा से जैसे सेकंड रो में करा था इसको भी रिक्लाइन करके ऐसे कुछ यूज़ करिए और इतना कुछ आप यहाँ पर सो भी सकते हैं इसके साथ। थोड़ा सा स्पेस थर्ड रो में कम मिलेगा, उसके अलावा फोर्थ रो में एक साथ ही जो बेंच टाइप सीटिंग है उसका मजा आप ले पाएंगे। और बीच में देखिए तीनों लोग हेडरेस्ट मिलेगा और तीन लोग आना इसमें थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी स्पेस ऑफर किया गया है। बाकी पीछे बूट बिल्कुल ना के बराबर है और यहाँ पर भी देखेंगे सारे का सारा जो रियर पैसेंजर डिटेक्शन सिस्टम है कि गाड़ी लॉक करने के बाद भी अंदर कोई छूट तो नहीं गया, कोई पैट आपने तो नहीं रख दिया, वो सब चीज़ें ये बताते रहता है। साइड से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर पूरा जो सनशेड है, एक क्वार्टर पैनल ग्लास है, स्पीकर भी देखेंगे और ये सारी USB के ऑप्शन, इतना आपको यहाँ पर बॉटल के लिए स्पेस। और साथ ही साथ अगर आप बी पिलर में देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन को प्लेस किया गया है, उसकी मदद से आप चाहे तो इसके जो डोर है उसको भी एक तरीके से क्लोज कर सकते हैं। और एक और फंक्शन है कि इसकी मदद से देखते हैं जो वेंटिलेशन का फंक्शन अभी नया नया इंडिया में भी आपने देखा था वो आया हुआ था सीटों में, तो वो ऑप्शन आपको दिया गया है। और यहाँ से जो विंडो है वो आपकी रोल डाउन होती है, वन टच डाउन वन टच आपका फंक्शन नहीं है, मैन्युअली आपको करना होगा और यहीं से चाहे तो इसको आप ओपन कर सकते हैं और साथ ही इससे आप रिट्रैक्ट भी हो जाएगा। एक फंक्शन और है कि आप चाहे तो देखिए इससे भी हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 4-5 तरीके हैं इन डोर्स को ओपन करने के लिए, की फॉब से करिए, आगे से करिए, बाहर से करिए, या फिर अंदर से बैठ के करिए, या फिर इसी डोर हैंडल से करिए, सारे ऑप्शन आपको दिए गए। ऑल एंड ऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। प्राइसिंग सेंस में देखा जाए तो एक प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो सिमिलर इंजन ऑप्शन जो आपको पहले हुंडई अपनी सेंटा फे के साथ देती थी, वो भी एक फुल साइज़ की SUV थी, कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से टक्कर लेने के लिए आई थी, लेकिन जो फॉर्च्यूनर है उसकी मार्केट थोड़ी सी अलग लीग में जाते हुए हुंडई को उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी का जो कंपटीशन है इंडिया में डायरेक्टली कोई भी नहीं है, बाकी डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में टोयोटा ने कुछ चाहा कि जो कार्निवल है उसकी मार्केट एक तरीके से अपनी ओर शिफ्ट की जाए, इनोवा को थोड़ा सा ज़्यादा हाई क्रॉस का फील दे के, थोड़ा सा बड़ा लुक दे के आपके सामने ऑफर करी। फिर भी कार्निवल के मुकाबले 400 mm छोटी गाड़ी और जो बड़ा अपील है इसके सामने बिस्कट जाती है, लेकिन हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया और टोयोटा की जो एक्सपर्टीज़ है, सेल्स नेटवर्क है, गाड़ी को अच्छी मार्केट में पकड़ दिलाने में मदद दे रही है। तो आप बताइए आपको कैसे लगी आपकी ऑल न्यू किया कार्निवल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाड़ी का डिज़ाइन कैसा लगा? सेल्टॉस बगल में है, इंडिया में हमें नई वाली सेल्टॉस मिल गई। और हाँ, आज मैं हूँ इंडोनेशिया मोटर शो में जो कि चल रहा है इंडिया से 8000 किलोमीटर दूर, और अच्छा खासा शो है और सारी गाड़ी आपको दिखा दूंगा मैं। और लॉन्चिंग की बात करें तो अगले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, क्योंकि किया KA4 वो आपने ऑटो एक्सपो 2023 के स्टार्टिंग में ही देख ली। उसके अलावा यहाँ पर जो अंदर भी आपने कहीं ना कहीं सारी मार्किंग देखी उसमें भी KA4 मेंशन है, तो लग रहा है कि कहीं एज इट इज़ यही गाड़ी ना आए, जस्ट एक फेसलिफ्ट इसका उतार दिया जाए जिससे कि यह थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी फील करवा पाए और उसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो अच्छा कर ही लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा गाड़ी कैसी लगी आपके सामने और जो किया यहाँ पर अपनी कार्निवल के साथ कर रही है, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में भी किया इंडिया भी इन चीज़ों को करे और आपको भी एक शानदार सी गाड़ी ऑफर करे। तो मिलते हैं फिर ऐसी और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।